दोस्तों बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है, शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़ दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश में यह तख्ता पलट क्यों हुआ है, आखिर तख्ता पलट किसने किया है? क्या आर्मी ने ही तख्ता पलट कर दिया है? क्या शेख हसीना की कुर्सी लेने में वहां के विपक्षी नेता और आर्मी वाले दोनों मिल गए थे? आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट के अंदर ही शेख हसीना को बांग्लादेश को छोड़कर जाना पड़ा? सोचिए, एक इतना बड़ा देश जिसका प्रतिनिधित्व करता है एक प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के घर में तमाम सारे प्रोटेस्टर्स घुस जाएं और वहां पर उनसे भागना पड़े, देश के प्रधानमंत्री को अपने ही देश से भागना पड़े, कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। लेकिन ये ऐसा हुआ है। आपको बता दें कि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अभी जो खबर आई है पूरी उसकी डिटेल हम आपको बताते हैं कि आखिर कारण क्या रहे हैं। और सबसे पहले जो बात है कि यहां पर जो बात निकल कर आ रही है कि क्या यहां पर आईएसआई का भी हाथ है, पाकिस्तान का भी हाथ है इन चीजों में, क्योंकि जो शेख हसीना है उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से भारत की तरफ रहा है। लेकिन जिस तरीके से शेख हसीना ने अपने देश में उठ रही तमाम सारी आवाजों को दबाने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं गलत है, जिसकी वजह से इनको इतना बड़ा जो है प्रोटेस्ट को झेलना पड़ा और जिसकी वजह से इन्हें अपने ही देश को, एक प्रधानमंत्री को अपने ही देश को छोड़कर बाहर जाना पड़ा। अब सबसे पहले आते हैं कि शेख हसीना के खिलाफ इतने सारे क्यों लोग हो गए। सबसे पहले आपको बता दें कि शेख हसीना के खिलाफ आक्रोश लगातार आज से नहीं है, ये 2-3-4 महीने से है, चुनाव जीतने के बाद से ही हम कहें तो ये सही होगा, क्योंकि लेकिन जो प्रोटेस्ट बढ़ा है वो 2-3 महीने से ज्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें कि जीतते ही इनके खिलाफ लोग क्यों होते गए वहां पे, आपको जानते ही हैं कि ज्यादातर वहां इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। जीतते ही इन्होंने जमाते इस्लामी एक वहां पर संगठन है जिसको इन्होंने बैन कर दिया था, जिसकी वजह से उसके संगठन के लोग इनका विरोध कर रहे थे और वो संगठन में जितने जुड़े हुए तमाम सारे जो सदस्य होते हैं वो भी इनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। और कुछ और चीजें थी, रिजर्वेशन था और भी तमाम सारी मूलभूत सुविधाएं थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, ये सारी चीजें थी जिसको लेकर लगातार इनके खिलाफ लोग थे भारत के खिलाफ। अब लोग ये सारी चीजें तो हो रही हैं, वो भारत मुल्क को छोड़कर बांग्लादेश चली आई हैं, बताया जा रहा है कि भारत आ रही हैं, लेकिन यहां पर एक चीज जो बनाने की कोशिश की जा रही है भारत के खिलाफ, भारत अगेंस्ट बांग्लादेश, ये बनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें चाइना और पाकिस्तान बड़े खुश हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि भैया अब मजा आएगा कि भारत किसका साथ देगा। तो आपको बता दें कि हमेशा से बांग्लादेश और भारत का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, दोनों ने हमेशा से दोस्ती ही निभाई है, दोनों के बहुत ही अच्छे रिश्ते रहे हैं। शेख हसीना अगर प्रधानमंत्री थी तो वो ज्यादा ही अच्छी थी भारत के लिए, क्योंकि उनके रहते हुए कभी भी भारत के साथ कोई भी ऐसे मतभेद नहीं हुए हैं। शेख हसीना ने जैसे जिस तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट को शेख हसीना ने जिस तरीके से हैंडल किया वो कहीं ना कहीं गलत था। जिस तरीके से आपको बता दें कि निहत्थे बच्चों पर उन्होंने उनको मारा पिटवाया, तमाम सारे लोगों पर उन्होंने प्रोटेस्ट को दबाने के लिए एक तानाशाही रवैया अपनाया, निहत्थे बच्चों को मरवाया, तमाम सारे लोगों को क्राउड में मरवा दिया, हॉस्पिटल में गोलियां चलवा दी, तो ये सारी चीजें जो थी एक बैग लोगों के अंदर जेहन में आ गई, लोग बौखला गए। अब तमाम सारे लोगों के जो अपने उस मतलब जो उन्होंने करवाया था उसमें जब लोग मरे तो लोगों के अंदर से यार एक चीख निकलने लगी कि यार हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे खिलाफ ऐसा कैसे हो सकता है। आपको बता दें कि जमाते इस्लामी वैसे इनके खिलाफ था, तमाम सारे लोग जो विपक्ष की पार्टियां थी वो वैसे इनके खिलाफ थी, तो ये सारा जनमानस इकट्ठा हो गया। हालांकि अगर वो इन चीजों को सही से हैंडल कर लेती तो ऐसी स्थिति नहीं आती, लेकिन ये स्थिति एक दिन में नहीं आई। आपको बता दें कि 15 जुलाई के बाद या कहेगी जून और जुलाई के बीच में, जून 2024 में ये चीजें शुरू होना शुरू हुई जब रिजर्वेशन का मुद्दा आता है, रिजर्वेशन को लेकर ये सारी चीजें आवाज उठना शुरू हो जाती है। वहीं पर वकर उर जमान बांग्लादेश के आर्मी चीफ, अब इन पर भी एक सवाल उठता है कि जो आर्मी चीफ है क्या इन्होंने तख्ता पलट करवाया है या फिर वहां के लोगों ने या फिर विपक्ष के नेता ने आर्मी चीफ के साथ मिलकर इस तख्ता पलट को किया है। तो आपको बता दें कि जो बांग्लादेश का इतिहास रहा है वो 15 साल तक वहां पर आर्मी का शासन रहा है, जैसे पाकिस्तान में आर्मी का शासन था वैसे ही बांग्लादेश में 1975 के बाद 1975 से 90 तक लगातार आर्मी का शासन रहा है। आप जानते हो आर्मी का शासन कैसा होता है, लेकिन उसके बाद जब रिजर्वेशन पर बात आती है तो बवाल होना शुरू हो जाता है, बवाल इतना बढ़ जाता है कि फिर उसको जो प्रधानमंत्री होती है ये संभाल नहीं पाती, और जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जो है उसके बाद ये मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसको दबाने की कोशिश करता है, हालांकि धीरे धीरे, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट से पहले जब शेख हसीना के पास शेख हसीना इन चीजों से निपट रही थी रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर, तब इन्होंने काफी ज्यादा तानाशाही रवैया अपनाया जिसके बाद से लोगों के अंदर उबाल आना शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट जब इसको मामले को शांत करवाता है तब जो आर्मी वाले होते हैं वो भी ढीले पड़ जाते हैं, वो भी सोचते हैं चलिए ठीक है मामला शांत हो रहा है, लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उसमें आर्मी वाले के घर वालों भी होते हैं, पुलिस वालों के घर वाले भी होते हैं, जिसकी वजह से आर्मी वालों ने जो मैदान था उनको मतलब जहां पर लगे होते हैं, जहां पर प्रोटेस्ट होते रहते हैं, उन्होंने छोड़ दिया कि भैया अब हम नहीं देखेंगे, जो करना हो आपको करिए। तो हिंसा जो है वो लगातार फिर बढ़ती चली गई। अब जब हिंसा बढ़ती गई तो लोग मरने शुरू हो गए। अब लोग 10, 20, 50, 100, 200 अभी एक दो दिन पहले 150-200 लोग मारे गए, जिसकी वजह से आर्मी ने कहा भैया अब हम नहीं मारेंगे, हम अपने ही लोगों को मार रहे हैं, अपने घर वालों को मार रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं हम भी नहीं मारेंगे, भैया उनके घर वाले भी तो उस प्रोटेस्ट में थे, वो कहीं दूसरे ग्रह से आए नहीं थे, तो इस वजह से उन लोगों ने हथियार रख दिए और कहा कि भैया आप ही निपटिए इनसे, और आप नहीं निपट सकती है तो देश छोड़कर यहां से चली जाइए। शेख हसीना जब प्रोटेस्टर्स की बात नहीं मानती, हालांकि अगर उस चीज को हैंडल कर लेती तो आज वो अपने घर में होती, लेकिन जब वो प्रोटेस्टर्स की बात नहीं मानती तो प्रोटेस्टर्स आज के दिन यानी आज
वही 4 से 4:30 के बीच में, वहां पर 3:30 के आसपास का समय होता है, वहीं पर प्रोटेस्टर इतनी ज्यादा संख्या में उनके घर के आसपास भीड़ इकट्ठा होने लगती है, जिसके बाद शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देने के बाद, वो हालांकि लास्ट टाइम देश को संबोधित करना चाहती थी, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में लोग उनके घर के पास आ जाते हैं कि फिर उन्हें आर्मी के जो चीफ होते हैं उन्होंने कहा भैया आपके पास 45 मिनट है और 45 मिनट के अंदर आप अपने परिवार को लेकर यहां से चले जाइए, नहीं उसके बाद फिर मैं नहीं जानता कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जिसके बाद आपको बता दे कि वो शेख हसीना अपनी बहन के साथ वहां से निकल जाती है, लेकिन अब आपको बता दें कि वो तो वहां से निकल गई, लेकिन जो सबसे बड़ी मुसीबत उनके लिए बन गई, उनके पार्टी मेंबर्स के लिए बन गई, उनके मंत्रियों के लिए बन गई, उनके कार्यकर्ताओं के लिए बन गई, और यहीं पर आपको बता दें कि उनके लॉ मिनिस्टर जो है उनसे उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा भैया मुझे तो पता ही नहीं है। आपको बता दें कि कई सारे इनके जो शेख हसीना के जो लोग थे उनको भी मारा गया, उनको भी जान से मार दिया गया है। वहीं आपको बता दें शेख मुजीबुर रहमान की एक मूर्ति थी जो हमारे जो बांग्लादेश को बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान था, जिन्होंने बांग्लादेश की स्थापना की, उनकी मूर्ति को यहां पर जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने तोड़ दिया है और तोड़ने के बाद सेलिब्रेशन कर रहे थे। अब आपको बता दें कि जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी कहा है कि भैया जितने भी लोग इसमें पाए जाते हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं डीएनपी भी कह रही है कि हम भी बदला लेंगे, चाहे वो शेख हसीना हो या उनके मंत्री हो या उनके कार्यकर्ता हो, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है उनको हम छोड़ेंगे नहीं। अब आपको बता दें कि बीएनपी और जो आर्मी दोनों के बीच में साठगांठ हो गई है अब आपको, लेकिन यहां पर जो सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो बनाएगी वो आर्मी ही बनाने वाली है। हालांकि शेख हसीना अगर इस चीज को सॉल्व कर लेती बैठकर या चीजों को सही से सॉल्व कर लेती, जो आज स्थिति उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ रहा है, शायद वो आज नहीं करना पड़ता। लेकिन जब शेख हसीना वहां से निकली तो वो सबसे पहले उन्होंने भारत का रुख किया और उन्होंने कहा कि त्रिपुरा यानी अगरतला त्रिपुरा साइड में वो जाएंगी, वहां पर रुकेंगी और उसके बाद वहां से कोलकाता जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने साफ साफ मना कर दिया है कि भैया बांग्लादेश हम आने नहीं देंगे, यानी कोलकाता हम आने नहीं देंगे। और जिसके बाद से पता चला कि दिल्ली की तरफ जाएंगी, दिल्ली में आने की खबरें ऐसी चल रही थी। लेकिन आपको बता दें कि जो बॉर्डर है, भारत के जितने भी बॉर्डर है बांग्लादेश साइड के, वो सारे हाई अलर्ट पर है, रेड अलर्ट पर कर दिया गया है उनको, इसी वजह से क्योंकि बांग्लादेश से भारत के रिश्ते अच्छे हैं, भारत अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से अभी ये खबर आ रही है कि दिल्ली से ये खबर आती है कि जो शेख हसीना है उनको यहां पर उतारने से मना कर दिया गया है, जिसकी वजह से इनका हेलीकॉप्टर अब शायद यूएस की तरफ रवाना हुआ है और यूएस में शायद अभी तक किसी से बात नहीं हुई थी कि कहां पर जाएंगी। लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो काफी डरा देने वाली है और हर एक देश को सीखने की खबर है। जो बांग्लादेश में हुआ है शायद किसी भी देश में हो सकता है, जिस तरीके से अगर वहां की सरकार निकम्मी होगी, सरकार अगर उन चीजों को हैंडल नहीं कर पाएगी, लोगों का दमन करेगी, लोगों से बातें नहीं करेंगी, अपनी तानाशाही रवैये पर होगी, तो एक ना एक दिन ऐसा ही हाल होता है जो आज बांग्लादेश का हुआ है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं बांग्लादेश की सिचुएशन पर, शेख हसीना के इस तरीके निर्णय पर, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।